ये है सिमरन चौधरी, इनके वालिद साहब हैं। सिमरन, कितनी परेशानी आपको यहाँ पे आई इस गांव में, या एक लड़की के नाते के आप क्रिकेट खेल रही हो, नहीं खेलना चाहिए? काफी मतलब प्रॉब्लम आई है कि मतलब गांव का माहौल ऐसा नहीं था कि लड़की बाहर निकले या कुछ ऐसा अलग हटके गए, तो परेशानियां तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन फैमिली सपोर्ट था स्टार्टिंग से ही, तो इसलिए मैंने थोड़ा कंप्रोमाइज किया, फैमिली साथ थी, नहीं तो बाहर से तो बहुत कमेंट्स मिलते थे, अभी भी मिलते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि बाबा सात बहनें हैं आप, और सात बहनें में आप सबसे छोटी हैं, सबकी शादी हो चुकी, भाई अकेले है, सबकी देखरेख आज यही करते हैं, बाबा करते हैं, भाई करते हैं जी। तो आप हरियाणा से खेल रही हैं आप जी। अच्छा, तो कुछ बताइए अपने बारे में, क्या पसंद है आपको, क्या नापसंद है, और एकदम क्रिकेट में कैसा रुझान हुआ आपका, ये तो बॉयज गेम है। सर, हमेशा से मुझे स्टार्टिंग से क्रिकेट ही पसंद था, तो मुझे लगता था कि अगर इंडिया टीम ऐसी वुमेन्स है, क्रिकेट टीम है, तो मैं जरूर इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी। तो स्टार्टिंग से मैं सबके साथ, बच्चों में जो लड़कियां हमेशा ऐसा गेम नहीं खेलती, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही क्रिकेट में ही रही, तो क्रिकेट का मुझे शौक था हमेशा से जी। तो आप हरियाणा से खेल रही हैं अभी फिलहाल, तो आप क्या मतलब फास्ट बॉलर हैं क्या या बैट्समैन हैं आप? जी, मैं फास्ट बॉलर हूँ। फास्ट बॉलर है। तो देखिए, ये है कहानी सिमरन की, एक छोटा सा घर है इनका, और इस छोटे से घर से निकल के आज ये हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हरियाणा की तरफ से खेल रही हैं, और ये इनके वालिद साहब हैं। और उम्र तो करीबन 75 साल हो गई होगी आपकी? 75 साल। सबसे अच्छी बात तो आपकी है कि आपने साथ दिया अपनी बेटी का, वरना साथ न देते तो आज इस मुकाम पे ना पहुंचती जी। परेशान कर देते कहाँ फिरा जा से, तो कहीं लोंडी भी जाग रहे हैं कि बाहर तुम सब आ जा फिरा रहे जी जी जी। और रावे में पेट मुंह पेट भी कहीं लोंडी पे रख रहे हैं कि जब वहाँ पैंट पहने तो पैंट तो पहननी पड़ेगी भाई। अच्छा, आज का माहौल क्या है, उस वक्त पैंट पहनने पे अलाउ नहीं था, आज का माहौल क्या, आप तो गांव में लड़कियां पहनती होंगी खूब? हाँ सर, अब तो थोड़ा चेंज हो गया है, बदलाव बहुत ज्यादा है, एजुकेशन बढ़ रही है, सोच भी थोड़ी चेंज हो रही है, सब कुछ पहले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं यहाँ से जाती थी क्योंकि सवारी का ऐसा कोई साधन नहीं था, तो मुझे पैदल ही जाना होता था, 3 किलोमीटर में पैदल जाती थी, 3 किलोमीटर पैदल वापस में आती थी, हर रोज मुझे 70-80 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था प्रैक्टिस करने के लिए। 70-80 किलोमीटर आप पहले डेली सफर करके तब आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो सिमरन, ऐसा भी हुआ कि आपके पास सामान नहीं रहा, आपके पास कोई मतलब दिक्कतें आई, शूज नहीं रहे, आपके पास पैड नहीं रहे, कुछ ऐसा भी दिक्कत आती थी? जी, बहुत ज्यादा दिक्कत थी सर स्टार्टिंग, क्योंकि मेरी फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है वो स्टार्टिंग से ही रही है, तो हेल्प की है मेरे सर हैं जो डॉक्टर मुन्ना, उन्होंने मेरी हेल्प की है। एक सबसे पहले जो मुझे क्रिकेट किट ला के दी थी, मैंने तब तक एकेडमी भी ज्वाइन नहीं की थी, मेरे गांव से ही हैं आरिफ भाई, तो अभी वो सऊदी में हैं, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले किट बैग दिया था मेरठ से खरीद के, तो उन्होंने स्टार्टिंग मेरी वहीं से ही हुई है, उन्होंने जो मुझे सामान दिया था, फिर धीरे 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 मुझे हेल्प सर से मिलने लगी, शोज वगैरह सब वो सर दुआते थे मुझे। तो अब बस अब खुश हो तुम अपनी इस लाइफ से, मतलब क्रिकेट में ही जाना है सब कुछ? सर, क्रिकेट में ही, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, और अभी थोड़ी सी अभी भी प्रॉब्लम है, हर तरीके से प्रॉब्लम है सर, तो बस मैं क्रिकेट। क्या प्रॉब्लम है बताओ कैमरे के सामने सर, किस सामान की जरूरत है, क्या जरूरत है बताइए। सर, क्रिकेट जो है ना वो बहुत महंगा गेम है, तो उसमें कभी ना कभी किसी चीज़ की जरूरत होती रहती है, जो मैं कभी नहीं ले पाती हूँ, हेल्प से ही मुझे वो मिलती है, कभी कोई कर देते, कभी नहीं हो पाती है हेल्प, तो अभी किस चीज़ की जरूरत है आपको? सर, अभी तो बस यही है कि शूज वगैरह ये जितने भी होते हैं, किट बैग दोबारा से मुझे रिकवर करना पड़ेगा सारा, क्योंकि सामान जो है वो सब डैमेज हो चुका है, लेना है, तो अभी सिलेक्शन भी नहीं हुआ था क्योंकि मैं फिट नहीं थी, और मेरे शिन पैन मुझे प्रॉब्लम थी पैरों में, तो अनफिट थी मैं, तो टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाई थी। तो ये है सिमरन का घर, और सिमरन के वालिद साहब हैं, और सिमरन को ज़रूरत है शूज़ की, सिमरन को ज़रूरत है उसकी किट की, तो हम वादा करते हैं सिमरन को, इस सिमरन को पूरी किट मैं दूंगा, ठीक है भाई? थैंक यू सो मच सर। हाँ, तो सिमरन, तो आपकी जो पूरी किट है, पूरी किट इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा, ठीक है? उसमें आपकी मेरे ख्याल से पैड वगैरह होंगी जो भी आपके वहाँ हैं, तो आप मुझे बताइएगा कब आपको चाहिए, तो उसी हिसाब से इंशाल्लाह मैं आपको दिला दूंगा, ये आपके भाई को लेकर मैं दिला दूंगा, ठीक है? तो ये तो परेशानी आपकी दूर होगी, इसके अलावा कोई बहुत परेशानी? सर, बस थोड़ा सा यही है कि
प्रैक्टिस के लिए अब दिक्कत हो रही है क्योंकि लॉकडाउन है तो नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा। गांव में ऐसी सुविधा नहीं है। चलिए गांव में निकलिए, अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए। किट की प्रॉब्लम थी, किट की प्रॉब्लम हमने दूर कर दी। तो ये सब भाई, आप भाई हैं साहब इनके, क्या नाम है आपका? आसमो। तो आप खेती बाड़ी आप ही संभालते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, तो सपोर्ट करिए भाई सिस्टर को, अच्छी बात है। पूरी कर रहे जान लो हमारे पास होगी। जी 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 जी। आपका नाम क्या है? मैं शाहरुख। आप क्या लगते हैं सिमरन के? मेरा भाई भतीजा लगता हूँ। जी जी। वैसे मैं एक डॉक्टर हूँ। जी। कोर्स चल रहा है मेरा। देखो अगर आदमी है ना, अगर देखो सिमरन है, अब एक खेती करते हैं 300 रुपये की, 400 की मजदूर पर देना पड़ती है, और एक लेदर की बोल 300 रुपये से कम नहीं पड़ती। जी जी। पड्डे की बोल 300 रुपये की कम से कम पड़ती है, और 300 रुपये की बोल इसको हम 300 रुपये कमाए, 300 रुपये इसके एक बोल ला के दी, अगर एक बोल खर्च हुआ 300 रुपये का है इसका कम से कम, इतने ऊपर तक जाना इसके लिए बहुत बड़ी बात है ये। और फिर लोग तन ने फालतू की चीज, क्योंकि जींस को, टीशर्ट को, पैंट को दिक्कत, हर चीज दिक्कत, लोअर क्या है, चीज क्या है, एक तो आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा, ऊपर से टोट मार रहा है। नहीं अब तो लोग आगे बोले होंगे, ये हमारे गांव की, हमारे रिश्तेदार, अब तो सब आगे नहीं, बोलने लगे। बोलते हैं पर सपोर्ट कोई नहीं करता। जैसे बताया ना मैं, एक बोल खर्च भी 300 रुपये का होता है, कम से कम 300 रुपये की बोल लगती है, और फिर सूज अच्छे से चूज 2-2.5 हज़ार रुपये से कम नहीं आता नॉर्मल धोने सूज। तो आपने शायद सुखा रखे ना। हाँ अब देख लो, अब ये अच्छा ये तो डैमेज हो गया, डैमेज हो चुके हैं इसे, ये पूरे शूज ना। हाँ। रिकवर कर लो सर, इन्हें थोड़ा सा स्लिन में तेल डाल के, नेल्स इनके जाम हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, तो ये तो हमने टूट भी गया ना, ये कहाँ से, ये तो खराब हो गया, बिल्कुल खराब हो चुकी है सर। अच्छा, ये तो निकल गया भाई। हाँ, और सर ये कम से कम सूज अगर नॉर्मल सूज आप 2-3 हज़ार रुपये से कम नहीं मिलेगा, नॉर्मल से नॉर्मल सस्ता सस्ता, स्टार्टिंग प्राइस है तो कम से कम 7 हज़ार से ऊपर आएगा। बस थोड़ा सा ये कोई हेल्प नहीं करता, देखो सिर्फ कहने कहते हैं, सिर्फ उंगली उठाते हैं, कोई उठाते हैं कुछ नहीं करता कोई, लेकिन हेल्प कोई नहीं करता, हेल्प कोई नहीं करेगा, सिर्फ उठाएगा उंगली। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरे को दबाए नहीं, तुम अगर मैं कलेक्टर यूनिवर्सिटी निकल ले तुरू से तो नहीं हो पाएगा, तो उससे नहीं हो पाएगा। वोट कोई बोले नहीं तू कर सकता है, कोई नहीं बोलेगा। अब इसको स्टेट लेवल तक गए, इसने कहा कि नहीं बच्चे स्टेट लेवल, गाँव में प्रधान भी है, मौजूदा आदमी भी है, अगर कोई 10-20 हज़ार रुपये की मदद करे, कोई इतना कुछ नहीं होगा किसी का, कुछ गरीब हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा। अब देख लो अगर 10,000-20,000, नाम तो आपके गांव का ही होगा ना, नाम ना, तो किसका, असारा गांव, असारा गांव का नाम होगा, असारा गांव का नाम होगा। अब ज्यादा कर ऐसा राजनीति में घुसे हुए, बस वोट लेना, ये चीज करना बस। अगर ये बच्चे कल के टाइम में बच्ची कामयाब हो गए, हमारे गाँव का नाम रोशन करे, कल के टाइम सुविधा आई गाँव में अच्छे से, इसके थोड़ा अच्छे से सुविधा भी तो आ सकती है। चलिए हम हमारी तरफ से आपकी पूरी किट, ठीक है ना, आपकी जो भी शूज आएंगे या फिर आप जो थाई पैड जो भी आप लगाते हैं, जो भी आते हैं आप मुझे बताइएगा, मैं मेरठ से ला के आपको दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही मेहनत करो अपने घर का, अपने हमारा तो मैं सपोर्ट रहा है, ठीक है, अपने गांव का नाम रोशन करो, अपनी बेटी का सपोर्ट कीजिए, अपनी ये बेटियां है ना, बेटे तो कभी कभी नाम खबर निकल जाते हैं, नाम ही निकल जाते हैं, लेकिन ये बेटी है ना हमेशा अपने बाप का नाम रोशन करती है, तो बच्चों को सपोर्ट कीजिए। और सबसे बड़ी बात इनके वालिद साहब की, देखो इस उम्र करीबन 75 साल की उम्र में ये लड़ रहे हैं, समाज से लड़ रहे हैं, फिर अपनी बेटी को भेज रहे हैं खेलने के लिए। डाइट का तो कम से कम 5-6 हज़ार का पर मंथ का है, अगर खुद अपना पर्सनल दूध है घर का तो होता है, क्योंकि हर चीज महंगी है। तो अगर सप्लीमेंट भी नहीं लेते, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, तो उस पर इतना ही नॉर्मल खर्च। चले सपोर्ट करिए, अब हमने फिलहाल तो किट का वादा किया है, मैं सिमरन को किट दिलाऊंगा इंशाल्लाह, और आगे भी रेगुलर अगर हमसे कुछ मदद होती है तो हम ज़रूर मदद करेंगे। और सपोर्ट कीजिए, अगर आप मेरी वीडियो इस गांव के लोग देख रहे हैं, सारा गांव के लोग देख रहे हैं, तो आप आइए सिमरन को सपोर्ट कीजिए, कम से कम अगर एक मौजूद आदमी भी हर महीने एक बांध ले, इस महीने मैं सिमरन को डाइट का खर्चा दूंगा, इस महीने मैं सिमरन को डाइट का खर्चा दूंगा, तो कम से कम ये लड़की आपके गाँव का नाम रोशन करेगी, जिले का नाम रोशन करेगी, आपके समाज का नाम रोशन करेगी। तो सपोर्ट कीजिए, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, अल्लाह हाफिज़।